नमस्कार, मैं डॉक्टर रजत ग्रोवर, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, कैलाश अस्पताल देहरादून में सेवारत हूँ। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा जानलेवा व दुनिया भर में बच्चों की जान जाने के प्रमुख कारणों में से एक है। ये बीमारी है निमोनिया। निमोनिया शब्द इस्तेमाल किया जाता है जब बच्चों के फेफड़े में इन्फेक्शन होता है। ये इन्फेक्शन या संक्रमण किसी वायरस, फंगस या बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, और उसी के हिसाब से जो इसके सबसे आम लक्षण हैं वो आम लोगों में भी काफ़ी प्रख्यात हैं, और वो सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है, तेज़ बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, ऑक्सीजन की सैचुरेशन में कमी होना, होठों व चेहरे का नीलापन होना। यह बीमारी बहुत जल्दी एक बच्चे से दूसरे बच्चे में व परिवार में फैलती है, और छोटे बच्चे, खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चे, इसके लिए ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, और उनमें ये परेशानी ज़्यादा क्रिएट करता है, और ये जानलेवा भी उनके लिए ज़्यादा होती है क्योंकि उन बच्चों के अंदर इम्यूनिटी व इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत बड़ों के मुकाबले काफ़ी कम होती है। लक्षण के अलावा जो बच्चों के साथ देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा खतरे वाले निशानों पे सभी अभिभावकों को खास ध्यान रखना चाहिए। ये खतरे के निशान होते हैं कि बच्चे का सुस्त पड़ना, उसको झटके, फिट्स या दौरे आना, बच्चों का खाना न खाना व होठों पे नीलापन या चेहरे पे नीलापन होना, ऑक्सीजन की सैचुरेशन में कमी आना। यदि इन लक्षणों में से कोई भी लक्षण अभिभावक को पाया जाता है, उन्हें तुरंत बच्चे को पास के अस्पताल में इमरजेंसी में लेकर जाना चाहिए। निमोनिया का इलाज जो है वो एंटीबायोटिक्स व इन्फेक्शन के खिलाफ दिए जाने वाली दवाइयों से होता है, बट आप इलाज अपने निकटतम बाल रोग विशेषज्ञ के कंसल्टेशन पे ही कराएं, क्योंकि बच्चों को ऑक्सीजन की आवश्यकता भी पड़ सकती है, उनको कुछ जांचों की भी आवश्यकता पड़ सकती है, और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों को 1 से 2 दिन या 3 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती रखना पड़े। यदि चीज़ें ज़्यादा सीरियस नहीं हैं तो मुँह की दवाई से भी बच्चों का इलाज 5 से 7 दिन में कंप्लीट किया जा सकता है। अब यदि बीमारी इतनी जानलेवा है तो हम सभी चाहेंगे कि उससे बचाव किया जाए, तो बचाव के सबसे प्रमुखतम उपाय हैं कि बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाना चाहिए, हाथों की सफाई रखी जानी चाहिए, आसपास का एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा रखना चाहिए, घर के अंदर यदि किसी को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार है तो ये अवश्य देखें कि वो जो परिवार का सदस्य है उनको मास्क दिया जाए, बच्चों को भी मास्क पहनाया जाए। जब भी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं या बच्चे बाहर जाते हैं, भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं, तो बच्चों को मास्क दिया जाए, और अवॉइड किया जाए कि ऐसे सीज़न में कि मास्क के बिना बच्चे बाहर ना जाएं। तो इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी है बच्चों के निमोनिया से बचाव के लिए, वो है टीकाकरण। तो समय पर टीकाकरण बच्चों का पूरा कंप्लीट होना चाहिए। 2 प्रकार के टीके बहुत ज़रूरी हैं बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए। एक है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट है वो टीका, जिसको हम न्यूमोकोकल वैक्सीन कहते हैं, वो 1.5, 3.5, 9 महीने पे टीके लगते हैं, और यदि उस समय पर बच्चों का मिस हो जाता है तो बाद में भी लगाए जा सकते हैं। तो इसके बारे में भी ज़रूर अपने बाल रोग विशेषज्ञ या पीडियाट्रिशियन से बात करें। साथ ही साथ आजकल फ्लू जो बहुत फैला हुआ है वो भी जानलेवा साबित हो सकता है, वो वायरल निमोनिया का एक प्रकार है, उससे भी बचाव के लिए टीकाकरण होता है, जो 6 महीने पर शुरू होके हर साल वार्षिक टीकाकरण बच्चों का 5 साल की उम्र तक किया जाना चाहिए। और उसके अलावा उसका कोई इलाज भी नहीं है, सिर्फ सपोर्टिव केयर और ट्रीटमेंट है। तो हम यही चाहेंगे कि बच्चे इन सभी जानलेवा बीमारियों से सुरक्षित रहें, और आप बचाव के सभी उपाय साथ ही में लेकर चलें। धन्यवाद।